वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे यार, एकदम फिट होंगे, गुड होंगे। तो दोस्तों कल से ना मुझे काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई 12th of January ऑलमोस्ट आ चुका है। अब 12th of January क्यों स्पेशल है आप भी जानते हैं, क्योंकि रिलीज होनी है इटर्नल्स, जिसका वेट भाई साहब बहुत ही लॉन्ग टाइम से फैंस कर रहे हैं। और फाइनली आज वो दिन है जब इटर्नल रिलीज होने जा रही है OTT के ऊपर। तो इसी को लेकर काफी ज्यादा लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहे थे कि भाई हमें पता है कि 12th of January को इटर्नल्स आएगी, पर हमें एग्जैक्ट रिलीज टाइम नहीं पता। आप हमें बताओ कि इंडिया के अंदर इटर्नल मूवी को एग्जैक्ट किस टाइम पे रिलीज किया जाएगा, किस OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा और कितनी लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि इटर्नल आपको एग्जैक्ट किस टाइम पे देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिलीज टाइम की। तो आपको बताता चलूं कि अभी कुछ ही घंटों बाद जैसी 1:30 होंगे तो इटर्नल मूवी को डिज्नी प्लस पर रिलीज कर दिया जाएगा। एक बार फिर बताता चलूं कि आज दोपहर 1:30 1:30 पर इटर्नल मूवी को डिज्नी प्लस पर रिलीज कर दिया जाएगा। ये फिक्स 1:30 पे रिलीज होगी। मैं दोस्तों इंडियन टाइम बता रहा हूं, जी हां, आज दोपहर इंडियन टाइम 1:30 इटर्नल आपको डिज्नी प्लस पर देखने को मिलने वाली है और देख लीजिएगा इसी टाइम पे रिलीज होगी। बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस की। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में तो रिलीज किया ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये आपको हिंदी में भी देखने को मिलने वाली है और काफी सारी साउथ लैंग्वेजेस में भी देखने को मिलेगी, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सब लैंग्वेजेस शामिल है। तो दोस्तों आज बहुत ही बड़ा दिन है जिसमें इटर्नल को खूब सारी लैंग्वेजेस में रिलीज किया जा रहा है। बात कर लेते हैं मूवी की। तो दोस्तों जितने भी लोगों ने इसे थिएटर में देख लिया है उनमें ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये मूवी पहले की मार्वल की मूवी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मींस कि इसमें आपको काफी कुछ यूनिक देखने को मिलने वाला है, मतलब कि पहले की मार्वल की मूवीज में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस इटर्नल में आपको देखने को मिलने वाला है। दैट्स व्हाई दोस्तों काफी ज्यादा लोगों को ये मूवी सच बताऊं तो पसंद ही नहीं आई। अगर आप इसकी रेटिंग भी चेक करें तो उसकी रेटिंग भी कम है। मैंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी, जिन लोगों ने देखी है मुझे बताओ कि यार आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। बहुत ज्यादा, लेकिन काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि यार ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग मूवी है क्योंकि ये पहले की सब मूवी से यूनिक होने जा रही है। लेट्स सी आज 1:30 पर जब ये रिलीज होगी तो देखने के बाद पता चलेगा कि इटर्नल मूवी कैसी है। लेकिन जिन लोगों ने देख लिया बताओ यार क्या सीन है, क्या कैसी मूवी है एटसेट्रा। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।